वेलकम बैक टू हाउस ऑफ एम्बिशन एम नेहा एंड आई एम प्रेजेंट हर विद येट अनदर वीडियो ऑफ आर जनरल टेस्ट एमसीक्यू सीरीज इस सीरीज में हम आपको हर वीडियो में ट्वेंटी फाइव एमसीक्यूज करवाते हैं जो आपके जनरल टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सी टी के बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इस सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी तो डू विजिट आवर चैनल साथ ही साथ आपको इनसाइट्स मिलेंगे रिगार्डिंग सी ई टी गाइज सारी वीडियो देखिएगा क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं होती 11 से 12 मिनट या 15 मिनट तक की वीडियोस होती है जिसमें बहुत जल्दी जल्दी आपको एम करवाए जाते हैं ठीक है तो मेक श्योर दैट यू विजिट ऑल दोज वीडियो एंड सब्सक्राइब आर चैनल सो दैट यू डू नॉट मिस द अपकमिंग वीडियोज़ ओके तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन है रिवर फ्लो इन द रिफ्ट वैली इज़ ए अमेज़ोन बी इंडस सी वोल्गा डी राइन इनमें से कौन सी रिवर है जो रिफ्ट वैली में बहती है इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर है रायन ठीक है रायन जो नदी है वो रिफ्ट वैली के अंदर बहती है नेक्स्ट द नेली थर्मन थर्मल पावर प्लांट इज फेड बाय जो नेली थर्मल पावर प्लांट है जो कि तमिलनाडु में आता है इनमें से कौन सा कोल है वहाँ पर ए गोंडवाना कोल बी टर्शरी कोल सी क्वार्टनरी कोल डी केम्बरियन कोल इसका आंसर होगा बी टर्शरी कोल ओके इट इज स्प्रेड बाय टर्शरी कोल नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट इन इंडिया इन चारों में से ऐसी कौन सी जो माउंटेन रेंज है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट में स्प्रेड है बाकी और किसी स्टे, आ, स्टेट तक नहीं जाती है ए अरावली बी सतपुरा सी अजंता डी श्याद्री इसका आंसर है सी अजंता अजंता रेंजेस जो हैं मतलब जो माउंटेन रेंजेस है दे ओनली स्प्रेड इन वन स्टेट ओके नेक्स्ट तुलबुल प्रोजेक्ट इज असोसिएटेड विद ए ब्यास बी रावी सी झेलम डी सतलुज इसका आंसर होगा झेलम ठीक है टुलबुल रिवर प्रोजेक्ट जो है वो झेलम नदी के ऊपर बनाया जा रहा है नेक्स्ट द नेस इज अ कोर्स ग्रेंड जो नेस है वो एक कोर्स ग्रेंड क्या होती है वॉलकैनिक रॉक है इग्नियस रॉक है मेटामॉर्फिक रॉक है या फिर सेडिमेंट्री रॉक है इसका आंसर है मेटामॉर्फिक रॉक ठीक है कोर्स ग्रेन का मतलब क्या होता है इसके जो जॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स हैं उनका साइज इतना बड़ा है कि यू कैन टच इट एंड फील इट कि हाँ हाथों के नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, नीचे दानेदार कुछ चीज़ आ रही है और साथ ही साथ ये मेटामॉर्फिक रॉक है इसका मतलब ये वो रॉक है जो कि हीट और प्रेशर के थ्रू बनी है नेक्स्ट प्रिमेटिव मैन फर्स्ट लर्नड जो सबसे पुराना आदमी था जिस जिसका ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था ए उसने सबसे पहले क्या लर्न किया था फायर लर्न करी थी मतलब फायर uh, जलाना ग्रोइंग ग्रेन्स या फिर व्हील या फिर डोमेस्टिक एनिमल इसका आंसर है फायर सबसे पहले उसने फायर जलाना सीखा था ठीक है नेक्स्ट द इंडस वैली सिविलाइजेशन वो स्पेशलाइज बाय इन चारों में से कौन uh, से जो थे वो स्पेशलिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की ए टाउन प्लानिंग बी आर्किटेक्चर C, Craftsmanship, D, All of them। इसका आंसर है ऑल ऑफ देम इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो सबसे सब ज़्यादा फेमस थी अगर मैं इनमें से नंबरिंग करूँ तो अपनी टाउन प्लानिंग के लिए कि उस टाइम की जो उस टाइम के लोगों की जो सोच थी टाउन प्लानिंग करते हुए वैसी सोच शायद हम लोग आज डेवलप कर रहे हैं बहुत अच्छे वेल लाइन ड्रेनेज सिस्टम बना रखे हैं उन लोगों ने बिल्डिंग्स भी काफ़ी अच्छी आर्किटेक्चर की अगर बात करी जाए द ग्रेट बात एंड क्राफ्ट मैनशिप जो टेराकोटो आप सील्स uh, देखते हैं और वेट्स और ज्वेलरी uh, देखते हैं वो सारी की सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक स्पेशलाइजेशन था ठीक है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वॉज नॉट नोन फॉर इंडस पीपल इन चारों में से ऐसा कौन सा मेटल था जिसके बारे में इंडस वैली पीपल नहीं जानते थे ए टिन B कॉपर सी आयरन डी लेड इसका आंसर है सी आयरन, ठीक है आयन जो था उसका प्री डोमिनेंट यूज वैदिक कल्चर में हुआ है ठीक है याद रखिएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल को आयन के बारे में ज़्यादा नहीं पता था और वैदिक कल्चर में मोस्टली जिस मेटल का यूज़ किया गया है वो था आयन वैदिक कल्चर इंडस वैली कल्चर के जस्ट बाद आता है ठीक है नेक्स्ट अहमद शाह अब्दाली वॉज़ फर्स्ट फर्स्ट इंडिया इन अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया को सबसे पहले कब इन्वेड किया था फिफ्टीन फोर्टीन एटीन सेवनटीन सेवनटीन फोर्टी एट या फिर नन ऑफ दीज इसका आंसर है सेवनटीन फोर्टी एट ओके नेक्स्ट पेपर केम टू बी यूज इन इंडिया इन इंडिया में पेपर का सबसे पहले यूज़ कब किया गया था ट्वेल्थ सेंचुरी थर्टीन सेंचुरी फोर्टीन सेंचुरी या फिर नन ऑफ दीज इंडिया में सबसे पहले पेपर का यूज हुआ था ट्वेल्थ सेंचुरी में ओके नेक्स्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी वो से किस बादशाह के काल के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था ए हुमायूं बी अकबर सी जहांगीर डी औरंगजेब इसका आंसर है बी अकबर गाइस एक बात याद रखिएगा कि Uh, अ, अकबर की जो मौत है वो अराउंड 1623 के आसपास हुई है और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन है वो 1600 में हुआ है यानी अगर आपसे क्वेश्चन ये भी आता है कि अकबर के कंटेम्प्रेरी इनमें से कौन से थे मतलब अकबर के काल के दौरान दूसरे किसी राजा के नाम पूछ दिया जाए कि और कौन राजा थे तो क्वीन एलिजाबेथ उस टाइम की रानी थी इंग्लैंड की जिस टाइम अकबर यहाँ के राजा थे ठीक है उन्होंने ही सिक्सटीन हंड्रेड में क्या किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर दिया था दैट यू आर गिवन द परमिशन टू डू ट्रेड इन ईस्टर्न कंट्रीज ठीक है नेक्स्ट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ इन चारों में से पार्लियामेंट के कौन कौन से मेम्बर्स हैं ए प्रेजिडेंट लोकसभा एंड राज्यसभा बी लोकसभा राज्यसभा सी लोकसभा प्राइम मिनिस्टर स्पीकर डी नन ऑफ दीज इसका आंसर है ए द प्रेजिडेंट लोकसभा एंड राज्यसभा ठीक है प्रेजिडेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट वो अलग नहीं है ठीक है नेक्स्ट वट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एट प्रेजेंट अभी लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है मतलब कितने वहां पर पॉपुलेशन है या फिर कितनी सीट्स हैं वहां पर ए फाइव हंड्रेड बी फाइव फोर्टी फाइव सी फाइव फिफ्टी डी फाइव ट्वेंटी फाइव नेक्स्ट इसका आंसर है फाइव फिफ्टी ठीक है 550 जो है वहाँ पर मैक्सिमम सीट्स हैं मतलब वहाँ मैक्सिमम वैकेंसी है जिसमें से अबाउट मेरे हिसाब से 545 मेंबर्स जो है वो अभी प्रेजेंट है नेक्स्ट हाउ मेनी सीट्स हैव बीन है फॉर यूनियन टेरिटरीज इन द लोकसभा लोकसभा में यूनियन टेरिटरीज के लिए कितनी सीट रिजर्व करी गई है ए ट्वेंटी बी ट्वेंटी सी थर्टी या फिर कोई भी नहीं इसका आंसर होगा ए ट्वेंटी ठीक है बीस सीटें कुल मिला के ऐसी हैं लोकसभा में विच आर रिजर्व फॉर यूनियन टेरेटरीज ओके नेक्स्ट विच ऑफ़ द फॉलोइंग बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ़ द प्रेजिडेंट इन चारों में से ऐसा कौन सा बिल है जिसको आप पार्लियामेंट में तभी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जब आपके पास अप्रूवल हो किसका प्रेजिडेंट का ए मनी बिल बी बिल परटेनिंग टू इम्पीचमेंट ऑफ प्रेजिडेंट सी बिल परटेनिंग टू पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डी ऑल ऑफ देम देखिए इसका बी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अगर आपको प्रेसिडेंट को ही इम्पीच करना है यानी उसकी गद्दी से हटाना है तो आप पहले प्रेसिडेंट से थोड़ी ना पूछेंगे ठीक है तो बी तो नहीं हो सकता है इसका बिल्कुल भी बाकी तीन में से हो सकता है तो इसका सही आंसर क्या होगा ए मनी बिल ठीक है मनी बिल जो है वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए अप्रूवल चाहिए होता है प्रेजिडेंट का साथ ही साथ कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है ये बताने का ये तय करने का जो राइट uh, सिर्फ और सिर्फ किसके पास होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा ठीक है राज्यसभा का इससे कोई लेना देना नहीं है मतलब हाँ उनको पास आगे करना पड़ेगा बट इंट्रोडक्शन इनसे कोई लेना देना नहीं होता है ठीक है नेक्स्ट हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा इन चारों में से हमारी सबसे पहली जो लोकसभा हुई थी यानी जस्ट राइट आफ्टर द इंडिपेंडेंस उसके पहले स्पीकर कौन थे ए हुकुम सिंह बी जी एस जिलो जी वी मावलांकर अनंत स्व स्वयम अयंगार द आंसर इज जी वी मावलांकर ठीक है जी वी मावलांकर कौन थे द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिया नेक्स्ट द पावर टू प्रोरोक द लोकसभा रेस्ट विद ए प्राइम मिनिस्टर बी प्रेजिडेंट सी स्पीकर डी द रूल्स कमिटी ऑफ पार्लियामेंट द आंसर इज president ओके नेक्स्ट विच कलर हैज द lowest फ्रीक्वेंसी इन चारों में से ऐसा कौन सा कलर है जिसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है याद रखिएगा जिसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी है उसकी सबसे ज़्यादा वेव लेंथ होगी बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ ओके तो आंसर क्या है रेड रेड हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी विच मीन्स इट हैज द हाइस्ट वेव लेंथ नेक्स्ट लाइट फ्रॉम द सन रीचेज अर्थ इन सूर्य से धरती तक लाइट को पहुंचने में कितना टाइम लगता है ए आठ मिनट आठ सेकंड, आठ घंटे या फिर एक साल आंसर इज़ एट मिनट मात्र आठ मिनट में क्या होता है लाइट जो है वो सन से धरती तक पहुंच जाती है ठीक है कभी कभार ऑप्शन में जो ऑप्शन uh, में ये भी दे दिया जाता है कि एट मिनट या फिर एट पॉइंट फाइव मिनट तो याद रखिएगा अगर एट या एट पॉइंट फाइव मिनट दिया गया तो आंसर वुड भी एट पॉइंट फाइव मिनट्स ठीक है एट मिनट नहीं होगा पर अगर ऐसा नहीं दिया है तो एट मिनट वुड बी द राइट आंसर नेक्स्ट द पोलर स्टार डज नॉट सीम्स टू मूव बिकॉज पोलर स्टार जो है हमेशा एक ही जगह पर दिखता है तो उसका रीज़न क्या है ए इट रोटेट्स वेरी रैपिडली बी इट मूव्स अराउंड द सन एंड नॉट द अर्थ इट इज इन लाइन विद द अर्थ एक्सेस ऑफ रोटेशन इट डज नॉट मूव इसका आंसर क्या होगा इट इज इन लाइन विद अर्थ एक्सेस ऑफ रोटेशन ठीक है नेक्स्ट लाइट फ्रॉम द नियरस्ट स्टार अदर दैन सन रीचेज द अर्थ इन ए फोर्टी टू ईयर्स बी फोर्टी टू सेकेंड्स सी फोर पॉइंट टू सेकेंड्स डी फोर पॉइंट टू ईयर्स द आंसर इज़ फोर पॉइंट टू ईयर्स मतलब फोर पॉइंट टू मतलब इतने साल लग जाते हैं वहाँ से यहाँ तक लाइट को आने में नेक्स्ट द बिगेस्ट स्टार इन द स्काई इज़ हमारे आसमान में सबसे बड़ा सितारा कौन सा है ए सीरियस बी अल्फा सेंचुअरी सी वीनस डी प्रॉक्सिमा सेंचुअरी इसका आंसर है सीरियस ठीक है नेक्स्ट द एन्जाइम विच इज प्रेजेंट इन सिलाइवा इज हमारे सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है जो हमारे डाइजेशन में हमें हेल्प करता है वो कौन सा है ए पैप्सिन बी टाइलिन सी इंसुलिन या फिर डी ट्रिप्सिन द आंसर इज टाइलिन बी टाइलिन ठीक है इट इज़ द एंजाइम विच इज़ प्रेजेंट इन आर सलाइवा नेक्स्ट हाइड्रोफोबिया इज कॉज बाय हाइड्रोफोबिया मतलब पानी का डर इनमें से किस वायरस की वजह से होता है ए एक्यूट वायरस बी टोबैको वायरस सी बैक्टीरिया या फिर डी रेबीज इसका आंसर है डी रेबीज ठीक है अगर किसी को रेबीज हो जाए तो उसके वन ऑफ द सिम्टम्स होते हैं दैट दे ऑल्सो हैव कॉट हाइड्रोफोबिया नेक्स्ट पेस मेकर इस इन पेस मेकर नाम की जो मशीन है वो किस में फाउंड करी जाती है पाई जाती है ए किडनी बी हार्ट सी लिवर डी लंग्स इसका आंसर क्या होगा बी हार्ट मतलब फॉर द बेटर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट हम एक डिवाइस लगाते हैं पेस मेकर जो कि हार्ट को फंक्शन करने में मदद करता है ये स्पेशली उनके साथ होता है जिनका कमज़ोर हार्ट है या फिर हार्ट में कोई दिक्कत आ गई है ठीक है इट इज़ द डिवाइस दैट इज़ यूज तो लास्ट क्वेश्चन है द रेड कलर ऑफ राइप टमाटोज इज़ ड्यू टू जो लाल लाल टमाटर होते हैं उनका कलर लाल किस वजह से होता है ए क्लोरोफिल बी क्लोरोप्लास्ट सी हीमोग्लोबिन डी वाइटमिन इसका जो आंसर है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे uh, तो हियर वी कम टू द एंड ऑफ़ आर वीडियो आई होप यू इंजॉयड इट एंड हैव लर्न समथिंग फ्रॉम इट अगेन अगर आपको इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा वीडियोस देखनी है दोन डू विजिट आर चैनल जहाँ पर आपको सात से आठ वीडियोस मिल जाएंगी यानी प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएंगी रिगार्डिंग योर जनरल टेस्ट इन सी यू ठीक है सो रिमेंबर दिस थिंग दैट वी वॉन्ट यू टू एक्सेल इन योर एग्जाम सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग ऑल दीज वीडियोज़ एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस बाय बाय